हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्सास किचन डॉट कॉम। आज हम बनाएंगे आलू और ब्रेड से बहुत ही टेस्टी स्नैक्स। तो आप इसे चाय के साथ, चटनी के साथ, किसी के साथ भी सर्व करते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। प्लीज मेरी वीडियो पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज हमें कमेंट करके भी बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रेड आलू के स्नैक्स बनाना। ब्रेड और आलू के स्नैक्स बनाने के लिए मैंने लिए हैं 3 उबले हुए आलू और इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, और 5 से 6 मैंने ली थी फ्रेस ब्रेड। इसको मैंने देखिए मिक्सी में पीस कर इसके ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिए हैं। मसालों में यूज़ करेंगे हम 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 छोटा चम्मच चाट मसाला और 1/4 चम्मच लेंगे काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा अमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच नमक। स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले ले लेंगे एक मिक्सिंग बाउल, तो उसमें हम ये उबले और कसे हुए आलू को इसमें डाल देंगे। साथ ही डाल देंगे इसमें ये ब्रेड क्रम्स, थोड़े सभी मसालों को इसमें ऐड कर देते हैं और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये ब्रेड और आलू के स्नैक्स बहुत ही टेस्टी बनते हैं, तो आप इस रेसिपी को प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए और प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। आलू ब्रेड का देखिए ये डो तैयार हो गया है और एकदम परफेक्ट है। मुझे थोड़ा कलर चाहिए तो मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी है। आप चाहो तो बिना हल्दी के भी इसको बना सकते हो, तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए आलू और ब्रेड का डो हमारा एकदम तैयार है और ये बिल्कुल भी हाथों से नहीं चिपक रहा है, तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने उसके लिए ले लिया देखिए एक पॉलीथिन और इस पर मैंने तेल लगा लिया है और लिया है बेलन, उसको भी मैंने ग्रीस कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डो को इस पॉलीथिन पर रख लेंगे और इस बेलन की सहायता से इसको बेल लेंगे। आप चाहो तो इसके गोल गोल भी बना सकते हो। फ्रेंड्स, मैं यहाँ अकेले ही वीडियो बना रही हूँ, तो प्लीज़ आप देखिए इस तरह से इसको बेल लें दोनों हाथों से। मेरे हाथ में कैमरा है तो मैं इसको दोनों हाथों से नहीं करके दिखा रही आपको, तो इस तरह से आप इसको बेल लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है, तो अब हम इसके जो हमारे किनारे फटे हुए हैं तो इसको हम निकाल देते हैं। इधर से भी निकाल देंगे। और एक्स्ट्रा डो को मैं हटा देती हूँ। देखिए इसे मैंने अच्छे से कट कर लिया है और इसका एक्स्ट्रा डो निकाल दिया है। तो अब हम इसके देखिए चौकोर पीस तैयार कर लेंगे इस तरह से चाकू की सहायता से। आप चाहो तो इसे किसी भी शेप में इसको कट कर सकते हो। और इसे मैंने काट लिया है, देखिए इसको इतना मोटा रखा है, तो इसे मैं प्लेट में रख देती हूँ। सभी स्नैक्स को देखिए मैंने बेल के इस तरह से चौकोर कट कर लिया है। और इधर हमारी कढ़ाई में तेल भी गर्म है, तो हमें इसे लो टू मीडियम गैस पर अच्छे से इसको फ्राई करना है। तो एक एक करके हम स्नैक्स इसमें डालते जाएंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। और जितने कढ़ाई में हमारे स्नैक्स आ जाएंगे तो उतने ही डालेंगे और इसे हम अलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ब्रेड और आलू के स्नैक्स देखिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और इसे मैंने अलट पलट कर अच्छे से सेक लिया है। तो इसे हम देखिए इस तरह से एक एक करके इस छलनी में रख लेंगे, जिससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल कढ़ाई में चला जाएगा। देखिए सभी स्नैक्स मैंने छारे में रख लिए हैं, इसका सारा ऑयल निकल गया है, तो इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो देखिए डालने से ही पता चल रहा है कि ये कितने क्रिस्पी हैं, तो बाकी के भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। ब्रेड और आलू के स्नैक्स बनके हमारे रेडी हैं, बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी बने हैं। तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें।
साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।